हाई स्कूल एवं इंटर पर पढ़ने वाले बच्चे जो इंतजार देख रहे हैं अपने सेंटर का कि कहाँ गया है उनका सेंटर। तो अब आप देख सकते हैं अपना सेंटर, यूपी बोर्ड ने सेंटर आउट कर दिए हैं। तो कहाँ आपका सेंटर गया है अब आप देख सकते हैं। कैसे देखना पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कैसे आपको अपना सेंटर देखना है और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, यानी कि आपको यूपी बोर्ड की साइट पर जाके कैसे अपना सेंटर देखेंगे, यहां हम इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले देखिए आपको अपना गूगल को खोल लेना है और गूगल पे डालना है UPMSP, UPMSP यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, और यहाँ पे सर्च में डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर ये लिखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो इसे जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट है वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है यानी ऊपर को करना है, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है यहाँ लॉग इन ये सब लिखा रहा है। ये देखिए यहाँ ध्यान से लिखा न्यू परीक्षा वर्ष, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, तो मैं परीक्षा वर्ष 2024 से संबंधित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के केंद्र निर्धारण सूची, और यहाँ पे आपको टच कर देना। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं एक लिस्ट खुल के आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला तो लिस्ट नहीं है, इससे पहले देखिए ये वाला करना है, ये हिंदी में जो लिखा होगा, इंग्लिश वाला नहीं करना है, हिंदी वाला देखो ये करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए 01 पे लिखा हुआ आगरा, यहाँ पे उसकी लिस्ट है, फिर फिरोजाबाद, फिर मैनपुरी, फिर एटा। पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढ लेना इस तरह से, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे पूरे 90 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, और आगे देखना तो यहाँ पे एरो का निशान लगा के आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देखिए जैसे मान लीजिए मुरादाबाद का देखना चाह रहे हैं, 21 नंबर पे देखिए ये है इसका है डिस्ट्रिक्ट कोड। अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट कोड है ये, तो डिस्ट्रिक्ट कोड देखिए जैसे सबका अलग अलग पड़ा हुआ है। तो 21 पर देखिए डिस्ट्रिक्ट कोड मुरादाबाद, यहाँ पर सेंटर की लिस्ट को हम देखिए टच कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए PDF पूरी खुल चुकी है सेंटर की। अब आपको देखना है कि आपका सेंटर कहाँ गया है, तो भाई यहाँ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि कहाँ सेंटर आपको गया है। तो ये था काफ़ी पेज है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में इन कॉलेजों के सेंटर गए हुए हैं, इतने कॉलेजों के सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज में गए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए हैबिट मुस्लिम में इतने लोगों के गए हुए हैं, और इस तरह से आप नीचे जाएंगे तो आपका सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में देखिए इतने लोगों के सेंटर, SS इंटर कॉलेज का, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज का, हैबिट मुस्लिम का आया है, ME इंटर कॉलेज का, SS इंटर कॉलेज, RN इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का सेंटर जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में आया है। और इसी तरह से देखिए ME इंटर कॉलेज है, KG के कॉलेज में इन लोगों के सेंटर गए हैं, SS इंटर कॉलेज में इनके गए हैं, और चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में यहाँ गए हैं, HSV में यहाँ गए हैं। और इसी तरह देखिए अंबिका प्रसाद पारकर इंटर कॉलेज में, देखिए पारकर इंटर कॉलेज में हाई स्कूल का जीजी हिंदू इंटर कॉलेज के बच्चों का पारकर इंटर कॉलेज में गया है, 105 बच्चे का सेंटर यहाँ पर है, और जीजी हिंदू इंटर कॉलेज के ही इंटर के बच्चों का भी सेंटर जो है पारकर कॉलेज में ही गया है, जिसमें जो है 63 बच्चे हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने कॉलेज का सेंटर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइंस वाले बच्चों का जीजी हिंदू इंटर कॉलेज के साइंस के बच्चों का गया है, कॉमर्स के बच्चों का कहीं और सेंटर गया होगा। तो इस तरह से आप पूरे PDF देखिए यहाँ पर दे रखिए देख सकते हैं, ये बिल्कुल यूपी बोर्ड की जो साइट है वहीं से इसको देख रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपना सेंटर अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।